आज तो हमारे साथ बहुत अच्छा पोपट हुआ। हम सोच रहे थे कि हाँ वीडियो बनाएंगे, सुबह में दूसरा कुछ सोच रहे थे, बट ऐसे अच्छा हुआ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे बकरी चरा रहे हैं। इस साइड की तरफ इतना बकरी है ना, इसी सब को हम चरा रहे हैं। इस साइड की तरफ अभी छोड़ दिए हैं, ये सब चर रही है लोग। क्या कहा जाए, अभी सुबह का टाइमिंग हो रहा है, उसके बाद भी गर्मी लग रहा है। अभी क्या पता कैसा मौसम हुआ है, देख रहे हैं कि हवा ही नहीं बह रहा है, पूरा चारों तरफ शांत हुआ है। ऐसे रात को तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा था, सुबह में भी वैसा ही हाल है। देख रहे हैं कि हवा ही नहीं लग रहा है। पहले इतना गर्मी नहीं पड़ता था, बट पता नहीं अभी क्यों गर्मी पड़ रहा है। रात को भी ऐसे ही गर्मी लग रहा था, बट ये ना कहिए कि लाइट बहुत अच्छा तरीके से रहता है, नहीं तो पहले जिस तरह लाइट नहीं रहता था ना, अगर वो समय अभी रहता ना तब तो बहुत प्रॉब्लम होता। बट लाइट रात को बहुत अच्छा तरीके से रहता है, हमको तो मालूम ही नहीं चलता है कि रात को लाइट कटा है। ये एक बहुत अच्छा है कि इधर लाइट बहुत अच्छा तरीके से रहता है। और ये हमारा घर गाँव में है ना, उसके बाद भी इतना लाइट रह रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। और नेटवर्क तो बहुत पहले से ही बहुत अच्छा चलता है, कोई भी सिम लीजिए, इधर बहुत अच्छा तरीके से नेटवर्क चलता है। और नेट का हमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है, पूरा अच्छा तरीका से नेटवर्क इधर चलता है। अगर इस तरीका का मौसम रहा ना, तो आज का ब्लॉग पूरा गर्मी पे ही बनेगा, बिकॉज देख रहे हैं 2 दिन से गर्मी ही हो रहा है। अगर थोड़ा देर बाद अगर हवा नहीं चला, तो आज इस ब्लॉग में आप सबको पूरा गर्मी ही देखने को मिलेगा, और पूरा आज का गर्मी दिखाएंगे कि देख लीजिए यहाँ पर भी कितना गर्मी पड़ता है। तो हमको लग रहा है वही दिखाना पड़ेगा। सूरज भगवान भी इतने निकल चुके हैं, यानी समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब हम इधर से चलते हैं, और हमारी बकरी भी देख लीजिए वहाँ तक चली गई है। लो इधर देख लीजिए ये किस तरीके का सोया है। रात को गंजी भी नहीं पहना है, इतना गर्मी हो रहा है ना कि गंजी भी नहीं पहना है। ऐसे पंखा यहाँ पर देख लीजिए लगा है, उसके बाद भी इसको गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। आयुष उठो, अब क्या किया जाएगा बताए हैं ना। हेलो, क्या काम है अभी? अभी नहीं बताए हम, क्या बताए हम? ये जो है ना, इसको धोना है। उठो उठो, आलू कटिंग हुआ है, यानी भुजिया बनेगा। और उधर दाल चावल देख लीजिए, और देख रहे हैं ये देख लीजिए कढ़ाई है, और पता है इस पे मिट्टी लगाया गया है। और ऐसे गांव का खाना ऐसे ही बनता है, चूल्हा पे देख लीजिए इसको पूरा लिपा गया है मिट्टी लगा कर इस पे, उसके बाद इस पे खाना बनाया जाता है। वहाँ पर तो ऐसे गैस पे बनाते हैं तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। इधर माई हमारा खाना बना रही है, आयुष देख रहा है कि किस तरीके का खाना बन रहा है। आयुष सीख रहे हो ना किस तरह का बनेगा, सीख लो आयुष, कल से तुमको बनाना है। आज पूरा ये धो देना है, वॉशिंग मशीन यहाँ पर है और पूरा ऐसे ही अभी रखे हैं, इसको सुबह सुबह ही पूरा इसमें धो देना है। अभी का टाइमिंग 8 बज रहा है, और 8 बजे लग रहा है कि हाँ हवा बह रहा है, नहीं तो सुबह में और रात में पूरा हवा नहीं लग रहा था। देख लीजिए पेड़ का पत्ता भी हिल रहा है, तो अभी मस्त हवा लग रहा है। और अभी भी हम बरस नहीं किए हैं, सुबह से काम ही कर रहे हैं। ईंट जुड़ाया है, उस पर भी पानी देना था, उसके बाद आप सबको बताए थे कि हाँ कपड़ा धो रहे हैं, अभी तक उसी में बिजी हैं, जिसको भी धोना है। बट ये हमको नहीं लग रहा कि आज धोएंगे, इसको कल ही धोएंगे। ये वाला धुला गया है और ये वाला भी धुला गया है, अभी भी इसमें धुला रहा है। ऐसे आवाज़ थोड़ा बहुत आपको सुनाई देता होगा कि हाँ चल रहा है मशीन। सुबह से लेकर अभी तक इसी सब में बिजी हैं, और इसी सब के वजह से बरस भी नहीं हुआ है, ना ही कुछ अभी तक खाए हैं। बट कोई बात नहीं, एक अच्छा चीज़ हुआ है, वो हुआ है कि हवा लगने लगा। वॉशिंग मशीन होने का फायदा यही है कि हाँ घर पे माई को भी धोना नहीं पड़ रहा है, हम लोग खुद से भी धो लेते हैं। अभी 8:20 हो गया है, वैसे तो इसमें इतना टाइमिंग नहीं लगता धोने में, बट ज़्यादा टाइम लग गया मशीन में, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मशीन नहीं चल रहा था, जो इसका वॉश है ना वो नहीं चल रहा था, फिर उसको सही किए तब जाकर चलने लगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है। इस साइड की तरफ देख लीजिए, ये पूरा आ रहा है लो, 4 ग्रुप लेकर आ रहा है। वाह देखिए तो, ये सब आ गया है लो पोखरा पर से, अभी यहाँ पे खेला होगा, पहले ये गया था वहाँ पे, और अभी ये लोग आया लो, अभी यहाँ पे खेला होगा। यहाँ पर मोदी जी है, देखिए। चलो जाओ लो, जाओ लो खेलो, फोटो अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है बाबू, अभी बरस भी नहीं किए हैं, तुम तो खा लिए हो। अब ये लोग अपना खेलेगा लो, डेली कैरम बोर्ड होगा डेली। आयुष पहले आओ इधर, तुम्हारा काम बता रहे हैं। ओए इधर आओ, ये बोतल किधर है, इसका ढक्कन, बोतल ऐसे ही रहेगा,
उसका ढक्कन लगाओ। उधर हम कपड़ा धो रहे हैं और इस साइड की तरफ देख लीजिए, घर के जस्ट बगल में इधर मिट्टी कटा रहा है। क्या कहा जाए, यहाँ पे मिट्टी कटिंग हो रहा है ना, तो यहाँ से मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ेगा। और अभी बहुत मस्त हवा भी लग रहा है। अभी कपड़ा धोए हैं ना, तो कपड़ा धोए हैं तो उसको बाहर भी हम नहीं रख सकते हैं। ये देख लीजिए किस तरीका से मिट्टी कटिंग हो रहा है, और देख रहे हैं कितना मिट्टी उड़ रहा है, देख लीजिए। अब इतना उड़ रहा है सब इधर से उधर, हवा बहुत तेज में लग रहा है अभी तो, पूरा देख लीजिए कितना उड़ रहा है, और पूरा इधर से उधर होकर सब आ जाएगा इधर। हमको कपड़ा आज नहीं धोना चाहिए था, अब आज धो दिए हैं, अब उसको बाहर भी नहीं सुखा सकते हैं। तो ऐसे देखते हैं वॉशिंग मशीन में ही थोड़ा सा सुखा कर उसके बाद घर में रख दिया जाएगा, वो कल सूखेगा। खाना खा लिया जाता है, दाल चावल और सब्जी। और देख लीजिए इस साइड की तरफ, खिड़की को बंद करना पड़ा, इधर का भी खिड़की बंद है। सुबह से गया था पोखरा पे खेलने के लिए, हम आपको बताए थे कि हाँ आयुष भी नहीं है, कपड़ा धो रहे थे तो सुबह से चला गया था पोखरा पे खेलने के लिए, और उधर से फिर आया है तो कैरम बोर्ड खेल रहा था, और कैरम बोर्ड खेलकर अभी भी बोल रहा है कि हम जाएंगे पोखरा पे। और 8 और 9 का टेबल अभी तक याद नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि याद कर लो तो याद नहीं हो रहा है। सुबह में सोच रहे थे कि हाँ गर्मी के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा है रात को भी और सुबह में भी गर्मी पड़ा। अभी 8 बजे के बाद इतना मस्त हवा लगने लगा ना, फिर सोचे कि छोड़ देते हैं, अब रहने देते हैं। अभी हम जा रहे हैं पोखरा पे और वहां से जा रहे हैं पनीर लाने के लिए। अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ है, ऐसे थोड़ा बहुत धूप भी आ रहा है कभी, और कभी छांव भी आ रहा है। और देखिए कितना मस्त इधर बादल आ रहा है, बादल तो बहुत मस्त दिख रहा है। साइड की तरफ से पनीर ले लिए हैं, फिर ऐसे निकलते हैं। खैर इधर का तो वीडियो बनाए हैं। ये रहा 25 ग्राम पनीर, इधर रहा तेल, और इसमें अब इसको छान कर रख देते हैं, ऐसे शाम को बनेगा। ट्रैक्टर जिसे मिट्टी कटिंग हो रहा था घर के पास, देख लीजिए अभी वो कहाँ चला गया है, साइड की तरफ से चला गया है, तो बहुत अच्छा हो गया है। आज हम सोच रहे थे कि हाँ गर्मी के ऊपर वीडियो बनाए, क्या पता क्यों इतना अच्छा आज मौसम हो गया ना, देख रहे हैं बादल तो इतना मस्त लग रहा है, क्या कहा जाए। ये बादल का जो सीन है ना, ये तो हम फर्स्ट टाइम देखे हैं। जितना हवा लग रहा है इससे भी तेज हवा लगता है, बट अभी मिला जुला कर मौसम बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे सुबह में दूसरा कुछ सोच रहे थे, बट ऐसे अच्छा हुआ। अब ना समझो। जैसे कैमरा चालू हुआ तैसे पूरा कहानी बंद। आज अच्छा आयु सोया है, सोकर उसके बाद उठा, उसके बाद बोल रहा है कि नानी क्या चाहिए, चीनी पानी चाहिए। तो देख लीजिए बाबू ग्लूकोज किधर है, अच्छा उधर है, इसमें घोरे हो, हम नहीं पियेंगे तो और लेकर आओ, जाओ टिफिन में पानी लेकर आओ और घोरा जाए, ग्लूकोज का पानी आज पी लिया जाए। आज ग्लूकोज हम भी कहाँ पिए हैं जब से, तो डिब्बा दिख रहा है लेकिन नहीं पीते थे लोग, घर में डिब्बा रखा है ग्लूकोज का, बट अभी नहीं पी रहे थे।
आज पानी में मस्त ग्लूकोज घोरे हैं और आज मस्त ग्लूकोज पानी पिया जा रहा है। आयुष तो ऐसे पीता है बट हम नहीं पी रहे थे। क्या है 3:25 हो गया है ना, तो यानी 3:30 हो गया है, तो देख लीजिए अभी उठ गई है लो। ऐसे मौसम अच्छा है ना, इस सब की वजह से पहले भी उठ गई है लो, नहीं तो देख रहे थे कल 3:30 हो गया था, 4 बजने वाला था, उसके बाद भी जल्दी नहीं उठ रही थी लो। बट अभी मौसम बहुत अच्छा है। सुबह में सोच रहे थे मौसम के ऊपर वीडियो बनाए, हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, वो भी बहुत अच्छा से पोपट हो गया है। माई सब्जी बना रही थी तो अभी बना नहीं है, बट हो गया है जी, बहुत को हो गया है। इसमें अब थोड़ा सा हल्दी डालना है और पनीर मसाला डालना है बस। प्लेट में चावल निकल गया है और इसमें इंतजार है सिर्फ पनीर का सब्जी का। अभी खाना कंप्लीट हो चुका है और मौसम देख लीजिए, इतना सुहाना मौसम है, बहुत अच्छा है। सूरज भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है, लग रहा है कि हाँ बारिश आएगा। आज तो हमारे साथ बहुत अच्छा पोपट हुआ, हम सोच रहे थे कि हाँ वीडियो बनाएंगे गर्मी का, बट इतना मौसम अच्छा हो गया ना कि क्या ही कहा जाए, नेक्स्ट लेवल का मौसम है, बहुत मस्त। इतना अच्छा मौसम हुआ है ना तो अब इस पे बारिश आ जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा, क्या पता बारिश आएगा कि नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगा। जब छत हो जाएगा ना उसके बाद तो बहुत अच्छा लगेगा, बट अभी छत नहीं हुआ है, बट अभी होने में हमको लग रहा है समय भी लगेगा, क्या पता कब तक होगा। बट छत जब हो जाएगा ना उसके बाद वीडियो करने में और भी मजा आएगा। थोड़ा दूरी पे पूजा हो रहा है, अभी हमको नहीं मालूम है कि कहाँ पे पूजा हो रहा है, बट उधर से हवा आ रहा है ना तो पूरा क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है, कथा हो रहा है तो वहां से आवाज सुनाई दे रहा है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे इन करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। और इतना प्यारा प्यारा गांव दिखा रहे हैं, इतना प्यारा मौसम दिखा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। इतना अच्छा अच्छा आप सबको वीडियो में देखने को मिल रहा है, अब क्या चाहिए। बट कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन तक ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब यहाँ से जाने का भी समय नज़दीक में ही आ रहा है।